तो ये देखिए, आज हमने बनाई है ब्लैक फॉरेस्ट केक रेसिपी, वो भी बिना ओवन, बिना कोको पाउडर, बिना व्हिप्ड क्रीम। वो भी हमने इस ब्लैक फॉरेस्ट केक को एक कटोरी में बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं और इसे बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसको बनाने के लिए हमने लिए ओरियो, ये आसानी से किसी भी स्टोर में मिल जाता है। हमने 3 पैकेट ओरियो लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हमने एक प्लेट लिया है और हमने लिया है एक बाउल। अब हम इसमें ओरियो को निकाल लेंगे। देखिए, हमने सभी ओरियो को निकाल लिया है। अब हमने एक बाउल लिया है और अब हम एक ओरियो लेंगे और इसकी क्रीम बीच में से इस तरह से तोड़ेंगे इसे बीच से, और अब हम इसकी क्रीम को एक नाइफ की हेल्प से निकाल लेंगे और अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे और इसी तरह से हम सभी को रेडी करेंगे। तो ये देखिए, हमने एक प्लेट में ओरियो से बिस्किट को और एक बाउल में क्रीम को निकाल लिया है। अब हमने एक ग्राइंडर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओरियो बिस्किट को, हम इसमें तोड़ के उसे ऐड करेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। हमने एक बाउल लिया है। अब हम इसमें बिस्किट को ऐड कर देंगे जिसे हमने ग्राइंड किया था। अब हमने लिया है 1 कप दूध। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध, हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, स्मूथ बैटर बनकर रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अब हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है, अभी गैस की फ्लेम ऑफ है। हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये नमक का कलर देख के आप चौंकिए मत, क्योंकि हमने इसे बहुत बार यूज किया है बेक करने में। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी को उल्टा करके रख सकते हैं। अब हमने गैस पर वही कढ़ाई चढ़ाई है। अब हमने गैस को ऑन कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हमने लिया है 3 पीस बाउल छोटा छोटा। अब हम एक बाउल लेंगे। अब हम इसे तेल से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहते हैं तो इसे बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। हम तीनों बाउल को तेल से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए, हमने तीनों बाउल में तेल ग्रीस कर लिया है। हमने लिया है लेमन इनो। आप चाहते हैं तो कोई और फ्लेवर का भी इनो ले सकते हैं। हमने बैटर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इनो। इसे एक्टिवेट करने के लिए इसमें ऐड करेंगे दूध थोड़ा सा, और अब हम इसे जल्दी से मिक्स करेंगे। जब आप इनो इसमें ऐड करें तब आपको हर काम पहले ही कर लेना है। अब हमने एक कटोरी ली है, छोटी वाला बाउल। अब हम इसमें बैटर ऐड कर देंगे। हम इसमें पूरा भर के बैटर नहीं ऐड करेंगे। अब हम तीनों कटोरी को हल्का हल्का टैप कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने तीनों कटोरी को रेडी कर लिया है। तो ये देखिए, कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है। अब हम इसे खोलेंगे। हम इसमें तीनों कटोरी को ऐड कर देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और इसे लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हमने वही ओरियो बिस्किट की क्रीम लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध और अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। दूध की एक पैकेट लिया है। अब हम इसमें इसे ग्लास में इस तरह से करेंगे और अब हमने जो क्रीम बनाए थे अब हम उसे इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, हमने कोन को रेडी कर लिया है। इसके ऊपर हमने एक रबर बैंड लगाया है। अब हमने डार्क चॉकलेट लिया है। अब हम इसे इस तरह से काट लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। हमने चॉकलेट को रेडी कर लिया है। अब हम इसी तरह से बाकी चॉकलेट को भी काट कर रेडी करेंगे। तो ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे खोलेंगे। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे।
अब हम इसके अंदर टूथपिक डालेंगे। तो ये देखिए टूथपिक अच्छे से क्लीन आ रही है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए केक ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए ये केक कितना जालीदार और स्पंजी बना है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे पलट लिया, ये बिल्कुल सॉफ्ट है और स्पंजी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इस केक को एक प्लेट में निकालेंगे। तो हम इसके ऊपर में क्रीम ऐड कर देंगे। हम इसे स्प्रेड करेंगे। तो ये देखिए हमने तीनों में क्रीम को स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे, इसे हमने काटा था। हम अच्छी तरह से इसमें चॉकलेट को ऐड करेंगे। तो हम इसमें इस तरह से क्रीम को कर लेंगे तीनों में। अब हम इसके ऊपर में ऐड कर देंगे चेरी। तो ये देखिए ब्लैक फॉरेस्ट केक रेसिपी बनकर रेडी है। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये बिना ओवन, बिना व्हिप्ड क्रीम, बिना कोको पाउडर, सिर्फ बिस्किट से बना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।